पहली बार व्यावसायिक रॉकेट एवं कैप्सूल से अंतरिक्ष भेजे जाने के लिए नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित 9 लोगों के नाम का ऐलान किया था। यह अभियान अगले साल शुरू होगा। नए अंतरिक्ष यान का निर्माण एवं इसका संचालन बोइंग कंपनी और स्पेस एक्स ने किया है। इसकी वजह से सुनीता के परिवार वाले भी काफी खुश हैं। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता के परिवार में उनके इस ट्रिप को लेकर काफी उत्साह है। पिता दीपक पांड्या ने कहा कि मिशन के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। मिशन का फाइनल डेटा भी सामने नहीं आया है। इससे पहले के ट्रिप में वह गीता की किताब लेकर गई थी। पिता ने कहा कि इस बार भी वे किताब गिफ्ट करेंगे। नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कई वर्ष पहले इस यान के विकास एवं निर्माण का विचार किया था और अब वह वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है। नासा के प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने कहा था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल करने के हमारे देश का सपना हमारी मुट्ठी में है। ब्राइडेनस्टाइन के मुताबिक अंतरिक्ष के महारथी इन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का यह समूह हमारे वाणिज्यिक सहयोगी बोइंग एवं स्पेस एक्स द्वारा निर्मित नए अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरेगा, जो मानव अंतरिक्ष यान के युग में नई शुरुआत होगी।